हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल अल्टेस्ट 24 हिंदी में। दोस्तों, अगर आपके पास भी एक रियलमी का स्मार्टफोन है और आपके रियलमी के स्मार्टफोन की बैटरी काफ़ी ज़्यादा कम चल रही है तो ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके स्मार्टफोन की बैटरी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलने वाला है। दोस्तों, एक एक टिप्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे अप्लाई करने के बाद आपकी बैटरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए, और अधिक आपका समय ना लेते हुए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो में जितने सारे टिप्स बताने वाला हूँ सारे के सारे टिप्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन लास्ट के जो दो टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। सो दोस्तों, सबसे पहले सेटिंग जो आपको देखने को मिलेगा उसके लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना होगा। देन आपको एक मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद नीचे के साइड में आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाटा यूजेज, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद देख सकते हैं नीचे के साइड में आपको कई सारे ऐप्स दिखाई देंगे। सो सिंपली आपको क्या करना है, जिन ऐप का आप उपयोग आप नहीं करते हैं या फिर जो ऐप डाटा एक्सेस नहीं करते हैं सिंपली उनको यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, डिसेबल मोबाइल डाटा पे ऑन कर देना है। डिसेबल मोबाइल डाटा इनेबल कर देने से होगा क्या दोस्तों, ये ऐप बैकग्राउंड में आपके डाटा को कंज्यूम नहीं करेंगे, जिससे आपके फ़ोन की बैटरी काफ़ी ज़्यादा बचेगी। सो इसमें से आपको उन सारे ऐप्स को डिसेबल कर देना है जिनका उपयोग ज़्यादा नहीं करते हैं या फिर कभी कभी जिनका आप उपयोग करते हैं। सो ये हो गई पहली सेटिंग। अब बात करें अगर दूसरी सेटिंग की, तो उसके लिए आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना है। देन नीचे के साइड में आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम सेटिंग, सिंपली आपको सिस्टम सेटिंग पर क्लिक करना है। देन नीचे के साइड स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसेस मैनेजर, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपको कई सारे ऐप्स दिखाई देंगे जो कि आपके एक स्मार्टफोन में बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं। सिंपली आपको क्या करना है, क्लीन डीप क्लीनअप पर क्लिक करना है और यहाँ से सारे ऐप्स को क्लियर कर देना है। दिन में दो बार ये काम करना है दोस्तों, सोने से पहले आप इसे कर देंगे सो आपके ओवरनाइट बैटरी ड्रेनिंग वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। सो यहाँ से आपको आके दिन में दो तीन बार इसे करते रहिएगा, जिससे कि बैकग्राउंड में जितने सारे ऐप्स रन कर रहे हैं वो सारे के सारे स्टॉप हो जाएंगे। अब अगली सेटिंग की बात करें दोस्तों, तो अगली सेटिंग के लिए आपको सिंपली बैटरी वाले सेक्शन में जाना है। देन बैटरी वाले सेक्शन में आएंगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। मेक श्योर आपका बैटरी सेवर ऑन होना चाहिए दोस्तों। बैटरी सेवर ऑन करने से होता क्या है, आपके फ़ोन की बैटरी बहुत ज़्यादा बचती है। उसके लिए अब इसमें कुछ सेटिंग्स भी आपको करना होगा। उसके लिए नीचे के साइड में आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिशनल सेटिंग, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन जो आपको देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस मोड, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद अगर आपका हाई परफॉर्मेंस मोड पे है तो इसे आपको स्मार्ट परफॉर्मेंस मोड पे कर देना है। देन बैक चले आना है। बैक आने के बाद दोस्तों नीचे के साइड में एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्टिमाइज बैटरी यूजेस, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ से उन सारे ऐप्स के बैटरी यूजेस को डिसेबल कर देना है जिनका उपयोग आप बिल्कुल नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, डोंट ऑप्टिमाइज पे क्लिक कर दीजिएगा जिन ऐप का उपयोग आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं। कई सारे ऐप्स आपको देखने को मिल जाते हैं जिन ऐप को आप ओपन तक नहीं करते हैं, वो सारे ऐप भी बैकग्राउंड में बैटरी को कंज्यूम करते हैं। सो सिंपली यहाँ से उस पर क्लिक कीजिएगा, देन डोंट ऑप्टिमाइज पे क्लिक कर दीजिएगा। इसे करने मात्र से ही आपके फ़ोन की बैटरी में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। उसके बाद नीचे के साइड में देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप क्विक फ्रीज, ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है दोस्तों, इसे आपको अपने स्मार्टफोन में जरूर करना चाहिए। जिन ऐप्स का उपयोग आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं उन ऐप को यहाँ से आपको क्विक फ्रीज कर देना चाहिए। दिया दोस्तों, जैसे ही कि कभी अगर आप उन ऐप का यूज़ भी करते हैं तो यूज करने के बाद जैसे ही बैक करेंगे वो स्मार्टफोन में बैकग्राउंड में रन करना बंद कर देंगे और आपके स्मार्टफोन की बैटरी को काफ़ी ज़्यादा सेव करेंगे। सो यहाँ से आप उन सारे ऐप्स को क्विक फ्रीज कर दीजिए। क्विक फ्रीज करने के बाद वो बैकग्राउंड में रन नहीं करेंगे और आपके स्मार्टफोन की बैटरी को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर देंगे। सो नेक्स्ट टिप एक बताने वाला हूँ दोस्तों, अगर आपके पास स्मार्टफोन में एमोलेड डिस्प्ले है सो सिंपली आपको डार्क मोड का यूज़ करना चाहिए। डार्क मोड का यूज़ करने के बाद एमोलेड डिस्प्ले में काफ़ी ज़्यादा बैटरी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, इसलिए एमोलेड डिस्प्ले का हमेशा यूज करना चाहिए। साथ ही साथ ब्राइटनेस जो आपका होता है ब्राइटनेस को काफ़ी ज़्यादा कम रखना चाहिए, ब्राइटनेस आपके बैटरी को काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करता है। सो उम्मीद है ये सारी टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके बैटरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। तो ये सारी टिप्स अगर फॉलो कीजिए, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला है या फिर नहीं मिला है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो आज की इस वीडियो का मैं समाप्त